मैम जैसे ना बहुत अच्छी जो मिली, सो हाउ वाज इट? इट वाज रियली गुड, बहुत ही फन थी, एंटरटेनिंग एंड इमोशनल एट द सेम टाइम, एंड मैसेज भी काफी अच्छा था. छिछोरे मूवी ऑसम थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है. मूवी का कंसेप्ट अच्छा था, सब्जेक्ट अच्छा था. तिवारी जी से जैसी उम्मीद थी वैसी ही उन्होंने चीज़ दी है, तो मज़ा आ गया मूवी को देख के. ठीक है, नॉट वेरी अप टू द मार्क. जितना सोच के आए थे कि 3 इयर्स का पार्ट 2 होगा, वैसे नहीं. बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है. जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी ये मूवी होगी, क्योंकि इससे पहले और भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट लाइफ के ऊपर मूवीज़ बनी है, 3 इडियट्स और ये, तो मैं ये कुछ एक्सपेक्ट करके आया था क्योंकि मेरा फ्रेंड ने इंसिस्ट किया मुझे. बट जब मैं फिल्म देखने आया तो मैं मतलब काफ़ी माइंड ब्लोइंग फिल्म थी और इतनी ऑसम फिल्म थी कि मैं काफ़ी कुछ लेके जा रहा हूँ इस मूवी को देखने के बाद अपने साथ में. बहुत अच्छी लगी छिछोरे, इट्स अ माइंड ब्लोइंग मूवी. इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं. जब हॉस्टल लाइफ कॉलेज लाइफ जीते हैं तो फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं. बहुत ज़्यादा देर उन लोगों के साथ हम बिताते हैं, तो वो चीज़ याद आ गई ये फिल्म देख के. सुपर, आउटस्टैंडिंग, अच्छी लगी. उन दोनों की भी काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिंग कास्ट का भी उतना ही हाथ था. लाइक सबको इक्वल स्क्रीन टाइम मिला, तो सब लोग थे. मतलब ऐसे लग नहीं लग रहा था ये हीरोइन, एवरीवन वाज देयर. लाइक ऑल द वरुण शर्मा एज यूजुअल, जो मिस्टर चूचा जी हैं, उन्होंने एज अ सेक्सर बहुत अच्छा किया है. और उनकी टाइमिंग के साथ बोला जाए तो सभी की टाइमिंग अच्छी लगी. मम्मी का भी बहुत अच्छा लगा है और ये सब चीज़ अच्छी लगी. शशांक जमा नहीं रोल में, मतलब श्रद्धा वॉज गुड, वरुण वॉज गुड एक्चुअली. वरुण शर्मा इज वो है तो पिक्चर में जाने थोड़ी. हाँ, पेयरिंग ये उनकी फर्स्ट पेयरिंग थी, जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये उनकी फर्स्ट पेयरिंग है. बट उनकी फर्स्ट पेयरिंग लग नहीं रही है, केमिस्ट्री और बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है. और आई थिंक वरुण शर्मा और जितने भी नए एक्टर्स आ रहे हैं, ये लग ही नहीं रहा है कि उनकी पहली फिल्म है. काफ़ी अच्छी फिल्म. सिर्फ श्रद्धा और सुशांत की पेयरिंग नहीं है इसमें, जो सब थे उन सब की पेयरिंग बहुत अच्छी है. एंड इसमें सभी जो लीड हैं सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छी है. अरे टाइमिंग बहुत कमाल की टाइमिंग है. इनफैक्ट सारे कैरेक्टर एक्टर्स के पास ऐसी लाइन्स हैं, ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे यू नो एवरी लाइन, विद एवरी लाइन यू गेट लाफ्टर आउट ऑफ, यू नो पीपल वर क्लैपिंग इनसाइड, सो इट्स लाइक दैट. बहुत उनको 70s स्टाइल में दिखाया गया उन लोगों को, जैसे कि श्रद्धा कपूर इज लुकिंग डैम क्यूट, ये गेटअप में बहुत क्यूट लग रहे हैं वो. एंड नितेश तिवारी ने उन लोगों के किरदार में जान डाल दी. इन दो जो डायरेक्ट किया है, इन दोनों ने जान डाल दी उसमें. बहुत बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, बहुत प्यारा केमिस्ट्री है. बेशक वो फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, बट जो उनकी केमिस्ट्री थी वो सॉलिड थी. कि हाँ, स्टार्टिंग में ये दिखा रहे कि वो अलग हुए हैं, डिवोर्स हो चुका है, और उसके बाद जो उनके फ्रेंड्स आते हैं और आगे उनको इकट्ठा करते हैं, एज एन जो उनके इमोशंस होते हैं वो वापस उनको पैचअप करवाते हैं, और सुपर थे ओवरऑल. एंड द मैसेज वाज वेरी गुड एंड सटल वे में दिया गया, एंड बहुत अच्छा था. लाइक पूरी मूवी एंटरटेनिंग थी, सो आई कांट पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर पार्ट. डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और उनका स्टोरी का जो कंसेप्ट है वो बहुत औसम है, जो उनसे उम्मीद की जाती है आज तक. तो मुझे बहुत मजा आया तिवारी जी की मूवी देख के. डायरेक्शन अच्छी है. हाँ, दंगल इज अ डिफरेंट मूवी, उससे कंपेयर आप मत करो उसको. हाँ, दंगल में काफ़ी जो वो सब्जेक्ट्स जो चूज़ करते हैं और जिस तरह के तथ्य वो लेके आ रहे हैं पब्लिक के सामने, वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है और काफ़ी कुछ सीखने जैसा है उनकी फिल्मों में. दंगल इनफैक्ट मैं जब दंगल देखने के बाद मैं वेट कर रहा था कि कब वो अपनी नेक्स्ट फिल्म लेके आए, तो आज देख ली. ये एक्चुअली उन्हीं के डायरेक्टर की वजह से ही मैं आया था फिल्म देखने के लिए, नितेश तिवारी जी का काम देखने के लिए. यस, दंगल भी अच्छी थी और सेम उनकी जो क्वालिटी है वो इसमें भी उन्होंने दी है. तो अमेजिंग अमेजिंग फिल्म, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बहुत अच्छा था. या इट्स टू गुड, सो गुड. मतलब शुरू से आखिरी तक मैं कहीं बोर नहीं हुआ, मुझे ये नहीं लगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. आई वॉज कैप्टिवेटेड ऑल द टाइम. स्टोरी वॉज अनफोल्डिंग स्लोली ग्रेजुअली एंड द क्लाइमैक्स वॉज सो सुपर्ब. एक्चुअल में जो उनका स्टोरी गाइडलाइंस था वो प्रॉपर एकदम सुपर्ब था, क्योंकि एक प्रॉपर लहजे में स्टोरी चलना बहुत ज़रूरी है, और वो चल रहा था. क्योंकि आप एज एन ये होता है ना कि ऑडियंस को बांध के रख लेना, तो उन्होंने ऑडियंस को बांध के रख लिया. आप इंटरवल में भी नहीं उठ के जा रहे कभी, आपका भाई एक मिनट का भी ना छूट जाए. तो मैं इंटरवल भी नहीं छोड़ के गया वहाँ से. आपको कॉलेज डेज याद आ गए? एकदम, टोटली. लाइक इट वाज रियली गुड मूवी, रियली गुड. हाँ यार, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी आया हूँ. मैं अपने दोस्तों को बहुत याद कर रहा था मूवी देख के. मतलब हर किसी को देखना चाहिए, अपने दोस्तों को जरूर याद करेगा. बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सीन में मैं अपने कॉलेज डेज से रिलेट कर पा रहा था और कैसे मेरे कॉलेज डेज रहे और हमने धमाल मस्ती किस वो लेवल इसी तरीके का होता है कॉलेज. इनफैक्ट जो लोग कॉलेज जा रहे हैं उन लोग ये फिल्म देखें और मेंटली प्रिपेयर हो जाए अपने कॉलेज डेज को यू नो जीने के लिए.
वो उनके लाइफ के सबसे बेहतरीन खूबसूरत 4 साल होने वाले हैं, जो फिल्म भी बताता है हमको। सब सब बिल्कुल याद आया, दो एकदम सेम नहीं थे, बट हाँ जैसे फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह होती है वो जेनुअली सेम होते हैं। हाँ याद आ गई, स्पेशली जो छिछोरे होते हैं उनके साथ जो भी किया है, उनके साथ पिटे, उनके लिए पिटे, और स्पेशली प्यार, जो प्यार लव किया था शायद कुछ देर हो टेम्पररली हो, बट याद आ गए वो दिन। ओके, 5 out of 5 कितना शादी है? 4 5 ऑफ कोर्स 5 3 स्टार्स 5 1 5 5 5 डेफिनेटली 5 out of 5 5 4